हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मजे में होंगे बिल्कुल। तो बच्चों, आज से हम क्या कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे 9th 10th में हम कहीं भी लैग ना करें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखिए, बच्चों, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 11 है। इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ ब्रॉड मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, जो जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। दैट विल बी, सबसे पहले आपको पेरीमीटर के बारे में सिखाया जाएगा, मतलब जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन पेरीमीटर। सेकेंडली, दैट विल बी बेस्ड ऑन एरिया, एंड लास्टली दैट विल बी बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो इन तीन ब्रॉडर कैटेगरीज के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। अब आपको जो आज की क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में पर्टिकुलर होकर हम कुछ फिगर्स पर्टिकुलर होकर करेंगे। दैट फिगर्स विल बी, पहला हम रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, रेक्टेंगल। सेकेंड स्क्वायर, थर्ड पैरेललोग्राम, एंड फोर्थ सर्कल। एंड और भी फिगर्स आप इसी के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि जो उनका पेरीमीटर आएगा वो किस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर समझते हैं। पहले देखिए, पेरीमीटर क्या होता है। अगर आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, भले वो कोई भी फिगर हो, तो आपको पेरीमीटर समझ आना चाहिए कि बेसिक डेफिनेशन क्या है पेरीमीटर की। पेरीमीटर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जिस भी फिगर का आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है, सम करना है लेंथ का। लेंथ मतलब जितने भी उसकी साइड्स हैं उन सबकी लेंथ को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि यहां पे सम जो लिखा है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐड करना। और जब आप ऐड कर देंगे सारी की सारी लेंथ को, तो जो आपके पास एक वैल्यू आएगी, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। अब हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। फर्स्टली हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल की आपको बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर उसको और अच्छे से डेप्थ में पढ़ा था। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक फोर साइडेड पॉलीगन है ये, ए बी सी डी। पॉलीगन बच्चों समझते हैं आप सब, पॉलीगन एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो, वो सब पॉलीगन होता है। तो ए बी सी डी यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं, विच इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। फोर साइडेड पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये क्लोज फिगर बनाएगा और हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनाएगा फिगर्स, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी समझते हैं। रेक्टेंगल में सारे जो एंगल्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं फर्स्टली। सेकेंडली, जो इसकी ऑपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो आपको ये दो बेसिक सी प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की, जो आपको याद रखनी है कि ऑपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल पैरेलल होंगी, ठीक है, और सारे एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे 90 डिग्री के होंगे। अब अगर इसे हमें पेरीमीटर में बताना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो कैसे बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें समझना होगा कि रेक्टेंगल की इस डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, लेंथ, दैट इज लेंथ। और रेक्टेंगल की इस डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ या विड्थ भी बोल सकते हैं, तो हम ब्रेथ बोलते हैं। अब इस लेंथ के लिए मैं एक सिंबल यूज करता हूं, दैट इज एल, कैपिटल एल, ठीक है। और ब्रेथ के लिए मैं एक सिंबल यूज कर लेता हूं बी। अब क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्या बताया, रेक्टेंगल की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये एल है तो ये भी क्या आएगा, एल आएगा। अगर ये बी है तो ये भी क्या आएगा, बी आएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे। तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा किसी भी फिगर का। अब बेसिकली आपके पास सारी साइड्स जो है आपको प्लस करना होगा, ठीक
ठीक है। अब आप ए बी की जगह क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, बी सी की जगह क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, एंड सिंपली यहाँ पे भी एल और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। और आप देखिए एल और एल को आप ऐड करके क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी टू एल, राइट। और बी को ऐड करके आप क्या लिख सकते हैं, टू बी, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है उनको हम प्रैक्टिकली एक बार अप्लाई करके देखते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। यहाँ पे इसको हम वर्टाइसिस को ए बी सी डी मार्क कर देते हैं। ये हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों, और ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, लेट्स से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने फॉर्मूला सीखा था मुझसे, वो फॉर्मूला क्या था कि जब भी आपसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आपने क्या फॉर्मूला सीखा था, आपको क्या यूज करना है, टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप इसी फॉर्मूला के बेसिस पर इसको अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, दिस विल बी लेंथ। लेंथ किसको बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं लंबाई को, यानी कि ये। और लेंथ और ब्रेथ को अगर हम कंपेयर करें तो लेंथ हमेशा बड़ा होगा ब्रेथ से जनरली। अब ये हो गया हमारा एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रेथ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है ब्रेथ। अगर ये 14 है तो स्टूडेंट्स ये कितना होगा, ये भी 14 होगा, राइट। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी और सी डी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला समझ आ रहा है, टू ब्रैकेट एल प्लस बी। अब यहां पर एल क्या है, अब आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, और आप यहां पे लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2 मल्टीप्लाई एल इन 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, L बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो L की वैल्यू है और जो B की वैल्यू है उनको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 21, दैट विल बी 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने पेरीमीटर वाले टॉपिक को आगे। तो बेसिकली अभी हमने जो फिगर पढ़ा था वो पढ़ा था रेक्टेंगल, हमने फॉर्मूला सीखा, उस पर अप्लाई होता हुआ एक क्वेश्चन भी किया। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्क्वायर को। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो फिगर है वो होगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर इज ऑल्सो अ फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन, फोर साइडेड पॉलीगन। अब आप स्क्वायर अगर बनाते हैं तो स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि इसमें सारी ही साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे ही जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सारी साइड्स भी इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल। प्रॉपर्टीज को मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम मान लेते हैं ए बी सी डी है। अब स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्या बोला, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आपने एक साइड को ए लिया है तो आपकी सारी ही साइड्स क्या आएंगी, ए आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जब सारी साइड आपकी ए आ जाएंगी, और पेरीमीटर का अभी आपने मतलब मुझसे क्या सीखा था, पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान से नोटिस करना है कि कितनी कितनी साइड आ रही है, ए ए ए ए। जब आप सबको ऐड कर देते हो, यानी कि अगर आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना चाहते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सभी साइड्स को ऐड करना है। दैट मींस कि आप क्या करोगे, ए प्लस ए
प्लस ए प्लस ए, यानी कि इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4a, ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4a, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो 4 इंटू साइड। अब मान लो आपने साइड को a की जगह b से डिनोट किया है तो आप यहां पे 4 इंटू बी लिख दोगे, जो भी आपने यहां पे साइड लिखा है 4 इंटू दैट साइड इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको बच्चों याद रहेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए, ये दोनों ही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे सामने एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं एक साइड को 7 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, दैट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ये हमारा को है। अब देखिए, अगर आपको साइड ए बी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां पे मैं लिख देता हूं हैविंग साइड 7 सेंटीमीटर, तो अगर आपको साइड 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सारी ही साइड्स कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा बच्चों, क्योंकि हमने क्या सीखा कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो यानी कि हमारी सारी जो साइड्स होंगी वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो आएगा स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था 4 इंटू साइड, या मैंने बोला था 4 इंटू ए, तो जो भी आपकी यहाँ पे साइड लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 7, यानी कि 28 सेंटीमीटर। बच्चों यूनिट पे जरूर ध्यान देना, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं सभी साइड्स को सिर्फ प्लस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप जब x और x को प्लस कर रहे होते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, दैट विल बी 4x, राइट। लेकिन अगर आप x और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पेरीमीटर में आप क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सभी साइड्स को आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रायंगल का सीख लिया हमने पेरीमीटर, हमने स्क्वायर का पेरीमीटर सीख लिया है। अब नेक्स्ट फिगर जो हम सीखते हैं दैट विल बी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड पॉलीगन है, अगेन जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल थे उसी तरीके से पैरेललोग्राम भी क्या, एक फोर साइडेड पॉलीगन होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम जैसे कि हम इसका एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, कुछ इस तरीके से स्लांट वे में इसकी साइड्स बनती है, यानी कि हमें जो रेक्टेंगल होता है उसको हमें सिर्फ क्या करना है, हल्का सा स्लांट करना है, तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे हम इसको मार्क कर लें ए बी सी डी, तो इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना होगा, और मान लो आपके पास ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड आपके पास बी है, लेट्स से, तो ऑब्वियसली ये अगर ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये बी है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, बी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पेरीमीटर क्या आएगा इसका, इसका पेरीमीटर भी बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा ही आएगा, यानी कि इसका जो पेरीमीटर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, जो हमारा रेक्टेंगल का भी कैसा था, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, उसी तरीके से पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम भी रहता है, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जब भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम किन किन का पैरामीटर निकालना सीख चुके हैं, दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। अब जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ फिगर आएगा दैट विल बी ट्राइंगल। जो ट्रायंगल होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा एक थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन होता है, थ्री साइडेड पॉलीगन होता है। इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनती है ट्रायंगल की, हम इसको ए मार्क कर देते हैं, इसको बी मार्क कर देते हैं,
इसको सी मार्क कर देते हैं, क्योंकि मैंने बोला ये थ्री साइडेड पॉलीगन है, इसलिए यहाँ पे थ्री साइड्स आपको मिल रही होंगी। अब आप मान लो कि आपके पास ये जो साइड है ये आपको गिवन होगा ए, एंड लेट से आपको ये वाला जो साइड है ये गिवन होगा बी, और ये जो साइड है ए सी ये गिवन होगा सी। तो आप इन तीनों साइड्स को प्लस करके इसका पैरामीटर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरामीटर आपने क्या सीखा था, सम ऑफ ऑल साइड्स। देखिए पैरामीटर आपने क्या सीखा है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप इसका अगर पैरामीटर बताना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन सभी साइड्स को जो आपका ए बी और सी आ रहा है इनको आप एड ऑन कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बनेगा इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोलें तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज नोटिस करनी होगी यहां पर कि हमने अब एक ट्राइंगल भी कर लिया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज जितने भी साइड्स हैं रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में फोर साइड्स थी, ट्राइंगल में थ्री साइड्स हैं, इन सभी में अगर हमें पैरामीटर निकालना है तो हमें बस क्या ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, हमें सिर्फ सभी साइड्स को ऐड करना है तो उसका पैरामीटर आ जाएगा। जब पैरामीटर की बात होगी तो आपको बस एक चीज पे फोकस करना है, दैट इज बाउंड्री, यानी कि जो बाउंड्रीज हैं उनकी लेंथ कितनी है। जितनी भी बाउंड्रीज की लेंथ होगी उन सभी साइड्स को अगर आप प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपको पैरामीटर मिल जाएगा। किसी भी फिगर का पैरामीटर आपको चाहिए हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर्कल का पैरामीटर। देखिए सर्कल का पैरामीटर नहीं होता है एक्चुअली, हम पैरामीटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं वैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली हम सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, स्टूडेंट्स इसको आप एक कर्व बोलेंगे, इसको आप पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है, कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है इसके इसमें, दैट्स वाई इसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये क्लोज्ड कर्व बोला जाएगा इसको। अब किसी भी सर्कल को अगर आप देखते हैं तो वो बनता कैसे है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि सर्कल बनता कैसे है। बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है और हमने ये जितने भी लाइन, बेसिकली जो लाइन ड्रॉ किया है ये एक्चुअली क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स होंगे जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम मान लें कि इनमें से कोई भी एक, जैसे आपने ड्रॉ किया सपोज ये, इसको हम आर बोल देते हैं, दैट इज दैट डिनोट द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये जो लाइन होता है सेंटर से लेके सर्कल के एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, ये पूरे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर इसी को हम ट्वाइस कर दें, यानी कि हम इसको एक्सटेंड कर दें इस तरफ, तो स्टूडेंट्स ये जो ए बी साइड मिलेगा हमें, ये जो पूरा ए बी साइड मिलेगा, दैट विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल। ये क्या होगा, ए बी क्या होगा, ये रेडियस को आपने क्या बोला, दैट विल बी ओ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपसे कोई पूछे कि ए बी क्या होगा, तो ए बी क्या होता है, दैट विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इससे आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा रेडियस और डायमीटर के बीच में, वो क्या है रिलेशन, कि जब भी आपको रेडियस चाहिए होगा तो वो कैसे आएगा, डायमीटर का हाफ करके। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि जब भी आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा तो आप पूरे डिस्टेंस का क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो आपको रेडियस मिल जाएगा डायमीटर से। और अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या होगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर मैं इस टू को यहाँ पर बुला लूँ तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है और हम इसको प्रैक्टिकली नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत ही ईजी रिलेशन है। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लेंथ, हमें इस बाउंड्री की लेंथ चाहिए। तो इस बाउंड्री की जो लेंथ है उसका फॉर्मूला हम समझते हैं कि इस फॉर्मूला होता है 2πr। बेसिकली ये जो 2πr फॉर्मूला है, इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करें
आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई मल्टीप्लाई बाय 2r, और ये जो 2r है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2r को क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी डायमीटर। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि पाई इंटू डायमीटर, या आप इसको 2 पाई आर भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, वो है ये पाई। ये पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। अभी आपको इस रैशनल इरेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो नाइन्थ क्लास के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो पाई होता है दैट विल बी 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, हम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम इसको लेंगे, जो भी हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेट करेंगे। और अदरवाइज क्वेश्चन में ही मैंशनड होगा कि आपको कौन सा वैल्यू यूज करना है, 22/7 या 3.14 क्वेश्चन में मैंशनड होता है। इफ इन केस आपको क्वेश्चन में कुछ भी मैंशन नहीं है और आपको पाई दिखता है तो आप बाय डिफॉल्ट 22/7 वैल्यू को प्रेफर करते हैं। 3.14 सिर्फ स्पेशल केसेस में जब आपको क्वेश्चन में मैंशन किया गया है तभी आपको यूज करना है, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। तो सेमी सर्कल का मुझे क्या करना है, इसका पूरा सर्कमफेरेंस आपको निकाल के बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल में क्या होता है ना, देखिए अगर आप सर्कल ले रहे हैं पूरा, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो कितना होता है, 2πr, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 2πr। बट अगर हम सेमी सर्कल कर देंगे तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि सर्कल का आधा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर आप आधा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2πr का भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आंसर आ जाता है, पाई आर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या एक कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को, वो ये कि पाई आर जो आता है वो सिर्फ ये आता है, यानी कि जो आपका कर, बाकी का पाई आर अगर आपको निकालना है बाकी का सर्कमफेरेंस या पैरामीटर तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, यानी कि पाई आर करके आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, किसका लेंथ मिलेगा आपको, सिर्फ इसका लेंथ मिलेगा पाई आर करके, इस कर्व का, जिस कर्व को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कल बोल रहे हैं, इसका आपको क्या मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर इस फिगर में जैसे आपको दिख रहा है कि ये भी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जरा ये हो जाएगा डायमीटर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डायमीटर होता है। तो आपको अगर इसका पैरामीटर निकालना है पूरा रिक्वायर्ड पैरामीटर, तो वो कैसे निकलेगा, आप इसमें क्या करेंगे कि एक बार पायर ले लेंगे पूरा, तो आप क्या कर देंगे इसमें डायमीटर को प्लस कर देंगे अलग से। तो इस तरीके से आपका इस पूरी फिगर का पैरामीटर आ सकता है। अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ पाई आर कर दूं और मुझे ये पूरी फिगर का पैरामीटर मिल जाएगा तो वो गलत है, क्योंकि अब आपने इस डी को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, आपको पाई आर करके सिर्फ ये कर्व मिलता है, इस कर्व की लेंथ मिलती है। यू गॉट दिस। चलिए तो स्टूडेंट्स अभी आपके सामने क्या है, सर्कल लिया हुआ मैंने, जिसका इस सेमी सर्कल के अंदर मैंने ओके। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चन है, सामने क्वेश्चन है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, इसमें आपको ए बी डायमीटर दिया हुआ है, सेंटर आपको ओ गिवन है और 2.8 इस पूरे का क्या है, डायमीटर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस पूरी फिगर का पेरीमीटर बताना है, यानी कि आप सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो पाई आर को यूज करेंगे, क्योंकि पाई आर करके आपको क्या मिलेगा, इस कर्व का, ये जो कर्व है, इस कर्व का आपको लेंथ मिल जाएगा पाई आर करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पाई आर करके जब लेंथ आपके पास मिल गया तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे, 2.8 अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पाई आर प्लस डी करके पूरी फिगर का क्या आता है, पेरीमीटर आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। देखिए आपको सबसे पहले यहां पर क्या लिखना है, पाई आर, पाई आर, पाई आर फॉर दिस कर्व लेंथ प्लस डायमीटर। तो देखिए अब पाई आपको 22/7 यूज करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पाई आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको 22/7 यूज करना है। तो 22/7 लिख दिया, आर आपने कितना लिखा, आर डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहां पे रेडियस लिखोगे, डायमीटर का कैसे आता है, आधा करके आता है। तो आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू 2.8/2, इसको अगर हम कट कर दें तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस 1.4 को आप यूज कर सकते हो यहां पर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, आर 1.4, और प्लस में आपको क्या लिखना है, डायमीटर।
अब देखो यहाँ पे डायमीटर कितना आपको गिवन है, 2.8 गिवन है, तो आपको 2.8 यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, प्लस में 2.8। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, पहले आप 7 को इससे सॉल्व करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर में आप 2.8 क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका क्या है कि आप डेसिमल रिमूव कर लो। ये डेसिमल अगर आप रिमूव करते हो तो नीचे क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, राइट। अब आप क्या करो, 7 1 7, 7 2 14 कट कर लो और आपका ये आंसर आ जाएगा 2 × 2 कितना, 44/10 प्लस 2.8। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से नोटिस करना कि ये जो 10 है इसको मैं कट नहीं कर रहा हूं। इसको कट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम इसको इजीली डेसिमल्स में ला सकते हैं। आपने सीखा है कि जब 10 है तो पीछे से एक डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4.4 प्लस 2.8, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2 सेंटीमीटर इस पूरी रिक्वायर्ड फिगर का हमारा क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है।